हेलो फ्रेंड्स, सादा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पास्ता। सबसे पहले मैंने 150 ग्राम पास्ता लिया हुआ है और इसे 200 ml पानी में सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करना है, यानी पानी खौल जाए तो फिर हटा देना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली हुई है, आप चाहें तो किसी भी पॉट में मतलब बना सकते हैं। और 20 ml ऑयल लिया है मैंने और 2 मीडियम साइज़ प्याज को चॉप किया था। तेल के गर्म होते ही मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसे सुर्ख नहीं करना है, बस कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक के आपको प्याज को चलाते रहना है ताकि जो इसकी कच्चाहट है वो निकल जाए, ख़त्म हो जाए। इसके अलावा गैस की जो फ्लेम है वो लो ही रखनी है, ये लो फ्लेम पर प्याज को मतलब इसे चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्याज को ज़्यादा देर तक न चलाइएगा वरना टेस्ट चेंज हो जाता है। तो 1.5 मिनट हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने करीब 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कर लिया था, वो इसमें डाल देनी है। और टमाटर मैंने एक मीडियम साइज़ लिया हुआ है, इसको बारीक कर लिया है। अब इसको चलाते रहना है करीब 10 से 15 सेकेंड तक चलाना है। और इसमें मसाले में मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया हुआ है, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच भुना धनिया लिया हुआ है, जो कि ये मसाला मैगी के मसाले से भी ज़्यादा टेस्टी रहता है। एक बार बना के देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने करीब ये सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक चलाया है और पास्ता को जो 2 से 3 मिनट तक के बॉईल किया गया था, यानी मीडियम पका लिया गया है, वो इसमें डाल देना है। और थोड़ा सा पानी इसमें उबला हुआ मैंने इसमें डाला है, करीब ये 20 ml है, इससे ज़्यादा नहीं है, और इसमें अभी पकने देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद मैंने चेक किया, पानी अब जल चुका है। और इसमें मैंने 1 चम्मच बटर लिया हुआ है और बटर जो होता है वो टेस्ट को बढ़ा देता है। इसके अलावा मैंने टमाटो केचप जो कि 2 चम्मच है वो मैंने लिया हुआ है और इसे 1 से 1.5 मिनट तक के चला देना है। और करीब 3 से 4 मिनट तक के आपको इसे रख देना है ढक के, उसके बाद सर्व करने के लिए यानी खाने के लिए फिर ये रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है, एक बार बनाएंगे आपको पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।